नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करमवीर में। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आपको मैं बताऊँ ACR की एंट्री, जिसमें राइटर के बारे में किस तरीके से उनकी एंट्री की जाती है। ये सवाल मैंने लिया है, पहले सवाल का जो टाइटल हम पढ़ लेते हैं, ए लेक्चर्स ऑन लेक्चर इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम, जिनके जो राइटर हैं वह ऑर्थर क्विलर कोच और द होगार्थ प्रेस लिमिटेड, लंदन 1981। अदर इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं, कॉल नंबर 371.102 QUI, एक्सेस नंबर 24431, पेज नंबर 7321, साइज 19 cm, और इसमें सीरीज का भी जिक्र है, होगार्थ लेक्चर्स ऑन लिटरेचर सीरीज। इसके एडिटर जॉर्ज रॉयलैंड एंड लियोनार्ड वॉल्फ, नंबर 3, यानी सीरीज नंबर ये 3 है। अब इसकी हम मेन एंट्री बनाएंगे इस जो सवाल के आधार पर। तो मेन एंट्री ACR में क्या है, जो कॉल नंबर इस कोने में लिखा जाता है, जो 371.102 है, और उसके बाद ऊपरी जो हेडिंग सेक्शन है, यहाँ लेखक का नाम लिखा जाता है, जो ऑर्थर क्विलर कोच है, और उसके बाद इसका जो टाइटल होगा वो लिखा जाएगा लेक्चर ऑन लेक्चर्स सेमीकोलन इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम, फिर अब आड़ी एक स्लैश लगाएंगे, आड़ी लकीर, उसके बाद हम राइटर का नाम लिखेंगे, ऑथर का नाम ऑर्थर क्यूलर कोच, जैसा सवाल में दिया हुआ हो। उसके बाद हम पूर्ण विराम लगा देंगे, और यदि दो राइटर है तो हम एंड करके दूसरे का नाम लिख देंगे, उसके बाद पूर्ण विराम, फिर आगे स्लैश लगा के डैश लगा के द होगार्थ, जो सवाल में जो नीचे लिखा हुआ है, सारा जो प्रिंट डिस्क्रिप्शन सारा जो है वो लिखेंगे, द होगार्थ प्रेस लिमिटेड लंदन कॉमा 1981, और पूर्ण विराम, सूचना हमारी पूरी हो गई। इसके बाद जो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, जो कितने पेज नंबर, क्या साइज वाइज, क्या ISBN है, वो जो हम सबसे पहले पेज नंबर लिख देंगे 7321P, फिर अर्धविराम, तो पी लिखने से मतलब ये पता चल जाता है कि पेज नंबर है, 19 cm, फिर पूर्ण विराम, फिर डैश लगा के कोष्टक के अंदर लिखेंगे सीरीज का नाम, जो सवाल में जैसा दिया हुआ है सीरीज का नाम वैसा वैसा में देख के सवाल में लिखना है, होगार्थ लेक्चर्स ऑन लिटरेचर सीरीज नंबर 3, कोष्टक बंद। उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ अब सारी चीज़ें आ गई है, उसके बाद हम जो ट्रेसिंग बनाएंगे, जो CCC में मेन कार्ड के पीछे होती है, लेकिन इस मेन मुख्य जो मेन एंट्री है उसी में ही होती है, तो पीछे नहीं होती है। तो यहाँ सबसे पहले हमें टाइटल ढूंढना, अब ये लेक्चर ऑन लेक्चर है, अभी इससे पता नहीं चल रहा ये किसका टॉपिक है, लेकिन हम कॉल नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि ये 371 है, 102 ये टीचिंग का है, तो एक तो टाइटल अपना बन जाएगा टीचिंग, दूसरा इसका कोई टाइटल नहीं बनता है इसमें, वो अपन जो टाइटल के अनुसार या कॉल नंबर के अनुसार गैस कर सकते हैं इसका टाइटल, उसका जो संदर्भ का या आसपास की जो मिलती जुलती जो भी किताबें उस टॉपिक से रिलेटेड हम ढूंढ सकते हैं। उसके बाद लेखक का नाम, एक ही इसमें लेखक, तो एक लेखक का नाम लिख दिया, ऑर्थर क्विलर कोच, और उसके बाद टाइटल, जो टाइटल, और उसके बाद सीरीज, और कोई चीज़ जिसमें कोलैबोरेटर की एंट्री है नहीं, इस तरीके से हमारा जो मेन कार्ड है ये तैयार हो जाएगा। उस मेन कार्ड के आधार पर जो हम जो एडिड एंट्रियाँ, सहायक एंट्रियाँ, वो हम बनाएंगे। अब सब्जेक्ट एंट्री, जो सब्जेक्ट हमने यहाँ जो ट्रेसिंग में इसमें लिया था ये टीचिंग है, तो पहले हमने टीचिंग लिख देंगे, उसके बाद वो कॉल नंबर वगैरह जो एक्सेस नंबर वो वहीं के वहीं रहेंगे, उसके बाद उसका राइटर का नाम, उसके बाद एक लाइन और लिखेंगे रेस्ट एज मेन एंट्री, यानी कि जो मेन एंट्री में वो का वो सेम, इतना लिख देना है। उसके बाद आएगा हमारा टाइटल, टाइटल जो इस किताब का जो सबसे ऊपर सवाल में जो टाइटल वो का वो एज इट लिख देना है, और उसके बाद ये पूर्ण विराम जरूर लग, जो भी सूचना लिख रहे हैं उसके बाद पूर्ण विराम जरूर लगाना चाहिए, टीचिंग के पीछे है और रेस्ट एज मेन एंट्री के पीछे नहीं लगता है पूर्ण विराम, और फिर रेस्ट एज मेन एंट्री, तो इस तरीके से। और फिर उसके बाद ये सीरीज की एंट्री, जो सीरीज का नाम जैसा है वो लिख देना है यहाँ पर हमें, ये लेक्चर ऑन लेक्चर और सीरीज नंबर 3, जो भी है सीरीज का नाम दिया वो, या 8 नंबर 10 नंबर जो भी सवाल है वो पूर्ण विराम लगा देना है, उसके बाद लेखक का नाम जरूर लिखना है, उसके बाद रेस्ट एज मेन एंट्री। और उसके बाद एक और चीज़ हम लिख देंगे, यानी कि अपन कह सकते हैं इसे भी देखिए, यानी इसे संदर्भ चीज़ सी
ऑल्सो रेफरेंस है, यानी इस अर्थ होता है इसे भी देखिए, यानी कि टीचिंग, इसमें एक नई चीज़ टॉपिक हमने खुद ने निकाला टीचिंग, उसके लिए सी ऑल्सो लेक्चर्स, यानी कि लेक्चर्स के लिए देखें, या लेक्चर्स संबंधी जो किताब है उसके पास आपको टीचिंग ये भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये सवाल था। अगले सवाल में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।